इस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये वीडियो आपके मन को विचलित कर सकती है। वीडियो में जय श्री राम के नारे लगे हैं और जो लोग राम के नाम पर नारे लगा रहे हैं शायद उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेकर खुद ही न्याय देने निकले हैं ये पूरा मामला आपको पहले समझाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई है। लड़के को लोगों ने बुरे तरीके से पीटा और सबसे बड़ी बात जो हर बार इस तरह के मामलों में सामने आती है वो ये कि लोग हर बार की तरह इस बार बस तमाशा ही देखते रहे। किसी का खून उस वक्त नहीं खौला जब एक लड़के पर इतनी भीड़ ने अपनी भड़ास निकाली। लड़के का कसूर बस इतना था कि वो एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा था और बस ये बात कुछ लोगों को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने उस लड़के को पीट दिया और सिर्फ पीटा ही नहीं बेरहमी से उसे खींचते खींचते दूर तक ले गए और फिर चप्पलों से उसे मारा। हैरत तो ये होती है कि जहां ये मामला घटा है वो मुंबई का बांद्रा स्टेशन है जहां पुलिस की तैनाती 24 घंटे होती है। ये मुंबई का सबसे हाईफाई इलाका है और इसी हाईफाई इलाके में ऐसी बड़ी वारदात घटी है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही को भी दर्शाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद AIMIM भी भड़क उठी है। कह सकते हैं कि इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस वीडियो को AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने शेयर कर कहा है, मुंबई के दिल में ये क्या हो रहा है? लव जिहाद के नाम पर हिंदुत्व के गुंडे एक निहत्ते मुस्लिम युवक की पिटाई कर रहे हैं। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। जय श्री राम के नारों के बीच मुस्लिम युवक की पिटाई हो रही थी और RPF के जवान देख रहे थे और हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी नहीं सोचा था कि मुसलमानों को ये दिन देखना पड़ेगा। AIMIM के नेता वारिस पठान ने यह दावा भी किया कि जिस वक्त उस लड़के को पीटा गया वहां पर RPF की टीम भी मौजूद थी लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई उन लोगों को इस बड़े अपराध से रोकने की। बहरहाल अब AIMIM ने लव जिहाद के नाम पर हमले की जांच की मांग कर दी है। इस बयान को सुनिए। देखिए, हमको आज रात को पता चला, तकरीबन 10:30 बजे वीडियो आया, इस तरह का वायरल हो रहा था। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुंबई जैसे शहर के अंदर इस तरह की घटना हो रही है कि लव जिहाद के नाम पर, जबकि लव जिहाद जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लव जिहाद के नाम पर आप एक मुसलमान निहत्ते लड़के को कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे, मैं कहूंगा उनको, वो पकड़ते हैं बेरहमी से मारते हैं अकेले को। वहां पर पुलिस खड़ा हुआ है, RPF का देख रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं, JSR के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको बोल रहे कि ये इस लड़की को लेकर आ गया था। अरे ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? और आज हम आजादी का 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हमारे शहीदों ने कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में कि हम मुसलमानों को इस तरह के दिन कभी देखने पड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इतना शर्मनाक हुआ कि क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? अगर आपको लगता है किसी ने गलती किया, पुलिस है ना, ले जाओ उसको कानून के तहत सजा, तो आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? ये क्यों होता है? ये इतना रेडिकलाइजेशन कहां से होता है? जब ये महाराष्ट्र की सरकार ये महापंचायत के नाम पे परमिशन देते जा रही है, जहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है, लव जिहाद के नाम पे बात की जाती है, मुसलमानों के नरसंहार की ओपन कॉल बात की जाती है और उनके ऊपर जब FIR होता है उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, परमिशन दी जाती है, तब जाके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। देखिए क्या हो रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो चाहेंगे, मैं तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन CM साहब को कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। ये जो भी लड़के थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की, उसको मारा, उसको अरेस्ट करना चाहिए, कानूनी सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए। कहां चले गए मोदी जी? अभी सबका साथ सबका विश्वास सबकी विश्वास की बात कर रहे, प्रयास की, ये हो रहा है आपके राज्य में, आप खामोश बैठे हैं मोदी जी। मॉब लिंचिंग पे कानून तो बना रहे लेकिन इस तरह के बेलगाम घोड़ों को कौन रोकेगा? कब रुकेगा? क्यों इतनी नफरत फैल रही है हमारे देश में? पिछले 9 साल में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बस नफरत से भर गया है देश। अरे अगर आपको लगता भी है ना कि किसी ने कोई गलती गुनाह किया है तो पुलिस प्रशासन है, आप उसको पुलिस में लेकर जाइए, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते। यही लव जिहाद, यही महाराष्ट्र के अंदर असेंबली में खड़े होकर भाजपा के मंत्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, 50,000 से ज्यादा किस्से हो गए हैं महाराष्ट्र में, बताइए ना। हमने सवाल किया, बताओ ना हमको कितने किस्से हुए, 10 नहीं बता सकते। ये लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, फिर भी लव जिहाद के नाम से कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? भगवा लव ट्रैप भी चल रहा है, जहां पर बोला जाता है कि जहां बेटा मुसलमान की लड़कियों को फंसाओ, पैसा दिया जाएगा, उनसे शादी करो, बच्चों को छोड़ दो, फिर बच्चे पैदा करेंगे, उसका क्या करेंगे आप?
कोई नफरत को बंद करना चाहिए। काफी सुपरस्टारों ने, काफी बीजेपी के मंत्रियों ने भी इंटरकास्ट मैरिज किया है ना, नॉन मुस्लिम से शादी की है, तो क्या आप सबको लव जिहाद के नाम के ऊपर ये कर देंगे? तो हमारा तो यही कहना है कि इस तरह किसी भी तरह की गुंडागिरी